ना ना गांधी परिवार का, का छोड़िए हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक जिले नहीं आए और क्या बता मैं? उनको आकर देखना चाहिए ना हैं तो प्रधानमंत्री बन गए और कुछ नहीं कर पाए तो मान था शोभनीय लगता था पटर तक रहने के लिए घूमने के लिए जगह था अब तो सब कुछ बस्ती हो गया है सब बस्ती बस गया है कोई जगह खाली नहीं है अस्पताल था पोस्ट ऑफिस था वो सब इधर के उधर चले गया कुछ है ही नहीं फ्री में दवा होता था हाँ आयुर्वेदिक अस्पताल था, था।, था। हाँ हा, सब ऐसे था नमस्कार मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ द लार्ज पे और अभी मैं सिवान जिले जी के जीरादही में हूँ जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान हुआ था उस पर वो जगह पे हैं हम मगर अफसोस की बात है कि जो इसका खुलने का टाइम है वो सुबह सात से बारह बजे के टाइम है और कोरोना के चलते ये टाइम रखा गया है तो हमारे आने में लेट हो गई इसके वजह से इसका अंदर का फुटेज लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो इसके वजह से थोड़ा सा कम दिखाएंगे और इसके बारे में दिखाते हैं स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या इसका इसके बारे में अगर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी कुछ बातें बताएँ और इसके जो विकास के कार्य होते हैं उसके बारे में अगर कुछ बताने की बताएँ तो उनसे हम बात करेंगे हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे देश के राष्ट्रपति उनके साथ में भी कई पल बिताए हुए हैं ये लोग और स्थानीय निवासी हैं पुजारी जी हैं तो उनसे बात करेंगे तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ राजेंद्र बाबू तो इस गांव के महान आदमी थे मगर उनको हम सवाए हवाई अड्डे में छोड़ने गए थे और राजेंद्र बाबू सादर के अच्छे जिंदगी बिताए और उनका बाँ ठेने से लंबा था और और कुछ से नहीं बता कुन कुछ विकास के बारे में बताइए हमारे जिस तरह से मतलब राजेंद्र प्रसाद का पे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति का अगर घर है जन्म स्थान है तो उस हिसाब से विकास हुआ कि नहीं विकास के बारे में हम मूल को आपको बता रहे हैं हम राजेंद्र बाबू पहले पहले राष्ट्रपति हुए और वल्लभ भाई पटेल आए हुए थे हमारे और उनका सवाई हरने पर छोड़ने गए थे आपसे आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार तो हम गए थे वहाँ आपको बता रहे हैं आश्रम पटना तो में और उसके बाद से भेंट नहीं हुआ यहाँ पे आए आते हैं आते थे तो उनसे जुड़ी कुछ यादें बताइए जो आए थे तो जब उसके बारे में राजेंद्र बाबू के बारे में और क्या बताए हाँ जब बा, तिरपन हाँ बावन से लेकर के तिरपन में यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पर आए थे और आ कर के और ये सब खाली जगह था और स्टेशन से लेकर पूरी फौज लगी हुई थी हर पुलिस वाले भी और आर्मी भी लगी हुई थी और यहाँ से सोन नदी है वहाँ तक पूरा ऑकुपाई किए हुए थे टेंट वगैरह लगा कर के इधर से भरसुई से लेकर के और यहाँ तक सोना तक और उन्नीस सौ बावन में तिरपन में आए थे वो उनके साथ तो आप लोग रहे होंगे और उनसे मतलब काफ़ी परिचित होंगे तो नहीं थे हम लोग भी छोटे छोटे थे हाँ छोटे छोटे थे, थे। अगर बचपन की बातें अगर यादें हो तो बताइए वो तो राष्ट्रपति बन गए तब हम लोगों का जन्म हुआ था हाँ और हालांकि स्वतंत्रता के पहले हम लोगों का जन्म हो गया था लेकिन छोटे छोटे थे बिल्कुल ना समझ के जैसे ही थे हाँ जब चार पाँच साल का थे हम लोग और कुछ और ये जो था पहले जितना फैसिलिटीज था यहाँ के पब्लिक को उतना फैसिलिटी तो अब नहीं है अब नहीं है मतलब आ, उस समय जब राष्ट्रपति थे तो काफ़ी अच्छा यहाँ का आ, 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 जो फैसिलिटी होता था आ, वो होता था आए अब उतना नहीं है क्यों सब जमीन ऑक्योपाई हो गया बिहार के आ, और मुशीर बाबू अपने ज़माना में एक हस्थी वाले आदमी थे और कमला बाबू हमारे गोपालगंज चेयरमैन थे और विकास के बारे में बहुत लोग कुछ सोचे मगर हो नहीं पाया और हमारे ओम प्रकाश एम पी रहे गोद लिए कुछ नहीं कर पाए और क्या बतलावे हैं तो मतलब कभी गांधी फैमिली से यहाँ पे कोई आया जिस तरह से मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का जो राष्ट्रपति रहे हमारे देश के लिए हस्ती रहे उन और क्या पूछते हैं आज तो ना गांधी परिवार का छोड़िए हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक जिले नहीं आए और क्या बतलाबें उनको आखिर देखना चाहिए न हाँ।, हाँ तो प्रधानमंत्री बन गए और कुछ नहीं कर पाए तो हा हाँ। मान था शोभनीय हाँ। लगता था पर्यटक रहने के लिए घूमने के लिए जगह था अब तो सब कुछ बस्ती हो गया है सब बस्ती बस गया है कोई जगह खाली नहीं है अस्पताल हाँ। था पोस्ट ऑफिस था वो सब इधर के उधर चला गया कुछ है हाँ ही नहीं, नहीं। फ्री में दवा होता था हाँ आयुर्वेदिक अस्पताल था, था, हाँ, था हाँ सब ऐसे था यही चीज़ें थी मगर अब क्या कहना चाहेंगे अगर ये सरकार तक वीडियो जाती है अधिकारियों तक जाती है अगर तो इसका विकास के लिए क्या करना चाहिए अब विकास के बारे में हम लोग भिकास भिकास क्या, भिकास लो क्या लो बता सकते हैं आपको विकास के बारे में हमारे एम पी लोग नहीं कुछ कर पाते हैं तो हम लोग और किस को कहेंगे कब से हमारे एम पी हैं वो भी नहीं कुछ कर पाती हैं हाँ और क्या कुछ कहें और जब इनका मतलब श्रद्धांजलि दिवस होता है या जन्म दिवस होता है तो बहुत सारे नेता तो यहाँ पे आते होंगे और आश्वासन भी देते होंगे नहीं आते हैं यहाँ गाँव के ही गणमान्य इकट्ठा इक होते हैं वो श्रद्धांजलि दे देते हैं उनकी पुण्यतिथि मनाते जन्मदिन मनाते हैं सब गाँव के ही सब नवयुवक दल वगैरह इनके लिए गठन किया हुआ है वही सब करते हैं हाँ चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की और बहुत सारे लोग कैमरे में बोलने से हिचक रहे थे इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें नमस्कार